बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से हमारे दुरूद जारी हैं। आज का हमारा दर्स है सदक़े फितर के अहकाम। ये ज़रूरी और अहम है, ये समात फरमाए। सदक़े फितर वाजिब है। इसके वाजिब होने के लिए सिर्फ तीन चीज़ें शर्त है। नंबर एक, आज़ाद होना। नंबर दो, मुसलमान होना। नंबर तीन, किसी ऐसे निसाब का मालिक होना जो असली हाजत से ज़ायद हो और कर्ज से महफूज हो। ज़रूरी और अहम बात, माल का नामी बढ़ने वाला होना या उस पर एक साल का गुजर जाना शर्त नहीं। ना माल का तिजारती होना या साहिब माल का बालिग व आकिल होना शर्त है। हत्ता के नाबालिग बच्चों और मजनूनों पर भी सदक़े फितर वाजिब है। इनके अवलिया को इनकी तरफ से अदा करना चाहिए। सदक़े फितर के सही होने में वही सब शर्तें हैं जो ज़कात के सही होने में है। सदक़े फितर ईद उल फितर के दिन सुबह सादिक तुलू होते ही वाजिब होता है। बस सुबह सादिक से पहले जो बच्चा पैदा हो उसकी तरफ से सदक़े फितर अदा किया जाएगा, और जो शख्स सुबह सादिक से पहले